अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाई नेटवर्क का अकाउंट किस तरह से बनाते हैं और इसमें माइनिंग करके किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप पाई नेटवर्क का अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पे सर्च बार में आपने टाइप करना है पाई नेटवर्क। पाई नेटवर्क लिखने के बाद यहाँ पे आपको पाई नेटवर्क का लोगो शो हो रहा होगा, यहाँ पे आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, मेरे पास यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो आपके पास यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा और आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर। अगर आप चाहते हैं तो आप फेसबुक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल नंबर के साथ ज्वाइन कर सकते हैं पाई नेटवर्क को। तो मैं सिंपली आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने मोबाइल नंबर के साथ ही इसको ज्वाइन करें। तो मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी कंट्री से हैं वो कंट्री आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपने पाकिस्तान सिलेक्ट करनी है, अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया सिलेक्ट करनी है। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो सिंपली मैं यहाँ पर पाकिस्तान लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। फ़ोन नंबर आपने इस तरह से नहीं डालना कि आपने यहाँ ज़ीरो नहीं लिखनी, जिस तरह से हम नंबर लिखते हैं इस तरह से 0302 फलां फलां, इस तरह से हमने नहीं लिखना, हमने ज़ीरो नहीं डालना, हमने डायरेक्ट 3 से शुरू करना है। तो चले मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सिंपली अपना नंबर डाल दिया है और अब मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है और इसके बाद ये ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन नंबर देने के बाद हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना है। पासवर्ड आपने इस तरह से लिखना है कि आपका पासवर्ड कम से कम 8 डिजिट का होना चाहिए, मतलब 8 अल्फाज आपके पासवर्ड में होने चाहिए, जिसमें एक डिजिट होना चाहिए मतलब एक नंबर होना चाहिए और उसके अलावा एक अपर केस लाजमी होना चाहिए और एक लोअर केस भी लाजमी होना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, अब सिंपली मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया है, अब थोड़ी सी लोडिंग हो रही है और आगे पेज शो हो जाएगा अभी। तो मैंने अपना पासवर्ड लगा दिया और उसके बाद ये हमारे पास ये सब पेज शो होगा, सेट अप यूअर अकाउंट। तो यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना लास्ट नेम लिखना है, और यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम सिलेक्ट करना है। और फिर आपने सिंपली सबमिट पे क्लिक कर देना है। वो कह रहे हैं कि ये यूज़र नेम पहले से लगा हुआ है तो हम कोई और यूज़र नेम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं 7866। अब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं, हमारा नाम और यूज़र नेम सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे आपने इन्विटेशन कोड देना है। तो यहाँ पर आपने इन्विटेशन कोड कौन सा देना है, यहाँ पर आपने मेरा इन्विटेशन कोड देना है। आप किसी भी बंदे का दे सकते हैं, लेकिन अगर वो बंदा आगे जाके अपनी माइनिंग बंद कर देता है, अपना अकाउंट बंद कर देता है, तो आपका अकाउंट भी बंद हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मेरा कोड दें, क्योंकि मैं आगे जाके बंद नहीं करने वाला, तो आपको कोई भी मसला नहीं होगा। तो आपने ये इन्विटेशन कोड दे के यहाँ पर सिंपली सबमिट कर देना है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सबमिट हो गया है इन्विटेशन कोड भी। तो अब ये थोड़ी सी लोडिंग ले रहा है और इस लोडिंग के बाद सिंपली ये हमें शो करेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि कोड सबमिट हो गया है और उसके बाद ये हमें ये इंटरफेस शो कर रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने आकर सीधा गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो ये आपको साथ साथ गाइड करता जाएगा कि क्या क्या आपने करना है। उसके बाद आपने ये जो ब्लू वाला है अपना यहाँ पे क्लिक कर देना है जो वो बता रहा है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब ग्रीन हो गया है, मतलब वहाँ पर हमारी अर्निंग शुरू हो गई है। और आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने एक पाई क्वीन हमें बतौर गिफ्ट दिया है, मतलब ज्वाइन करने के साथ ही।
तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरे ही इनविटेशन कोड से आप ज्वाइन करें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपने इस पे ज़्यादा कोई काम नहीं करना, सिर्फ आपने 24 घंटे के बाद आना है और यहाँ पे आपने आके यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये जो ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ना, आपने इसी पे क्लिक कर देना है। बस इस पे आपने एक क्लिक करना है 24 घंटे के बाद आके, वो आपकी माइनिंग खुद ब खुद बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो अगर आप इसकी माइनिंग स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि इसकी माइनिंग स्पीड किस तरह से बढ़ाई जा सकती है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।